लाइव है तस्वीरें और फैजपुर खेड़ा में है। 4 से 5 दिन में एक नेता बन गया, लोगों के बीच में जब भी जाता है लोगों का प्यार, एक बार घुमा करके दिखाइएगा, लोगों का प्यार जो है बेशुमार जो उनको मिल रहा है। मनदीप सिंह बाजवा जो अमनप्रीत कौर है उनके पति हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर गांव में यही जन समर्थन और प्यार उनको लगातार मिलता हुआ और जीत के जो आसार हैं वो एक तरफ जो है नज़र आ रहे हैं। युवा शक्ति बुज़ुर्गों के विचार जो है उनके साथ हैं और भाई आज यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से जो है उनको समर्थन मिल रहा है। और हर बिरादरी, हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पर जो है पहुँच रहे हैं। तो सिंह बाजवा हमारे साथ हैं, तो किस प्रकार का प्यार मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इतना मान और सम्मान मिल रहा है। तो वो तो आप देख ही रहे हो दिलबाग जी, जहाँ भी जाते हैं मेरा भाईचारा सबसे पहले खड़ा होता है। मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मैं घर से लेके चलता हूँ, भगवान को याद करके भी सच्चे पातशाह चढ़दी कला दे विच रखी। उधर वेखो मेरी छत्ती बलादरी का भाईचारा किवें वध चढ़ के आउण डिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी मैं ही अपील करना वा कि आने वाली 9 तरीक नूं वध चढ़ के वोटां पाओ ते मैनूं विजय बनाओ। साथ दिया जाएगा, 36 बिरादरी के लोग जो आपको साथ देंगे उनके उद्देश्यों पर, उनके विचारों पर, क्योंकि चाहते हैं कि हर तरीके से उनका विकास जरूर हो, बड़ी उम्मीद होती है, तो किस तरीके से उनको विश्वास दिलवाएंगे? दिलबाग जी, मैं एक छोटे जे परिवार तो बिलोंग करता वा, मेरा कोई पिछला बैकग्राउंड कोई राजनीति का नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैनू पता है जिहड़ियां जिहड़ियां समस्या हुंदियां ने, जो घरां दे विच हुंदियां ने, असीं हर समस्या नूं दिल तों लै के वह पूरा करांगे जी। तो और भी जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचते हुए, और 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। सरपंच सुखा सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, दो विचार अपने, और क्योंकि आपके बीच में आए हैं, गाँव के लोगों के बीच में आए हैं, किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे और एक जीत का? हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम सारी छत्ती बरादरी इनके साथ हैं, एक एक वोट पाएंगे इनको जी। हाँ जी, तो यहाँ एक विश्वास दिलवाते हुए कि एक एक वोट जो है मनदीप सिंह बाजवा के पक्ष में जाएगा। और 3-4 दिन से देख रहे हैं मनदीप सिंह बाजवा की रिश्तेदारी सिख समुदाय में तो है, सभी समुदायों में जाएं तो दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं वो इनके पक्ष में उठ उठ कर आ रहे हैं अपनी रिश्तेदारियों को लेकर के, कि हम जो है मनदीप सिंह बाजवा को चाहते हैं उनको जितवाना। तो सरदार जी हमारे साथ हैं, सरदार जी क्या कहेंगे, मनदीप सिंह बाजवा आपके बीच हैं, क्या विचार रहेंगे आज? हम तो इनको विश्वास दिला रहे हैं, हम इनको जिता के भेजेंगे यहाँ से। तो इनके पहले भी बहुत से समर्थक हैं यहाँ गाँव में, रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो ये जीत इनकी निश्चित पक्की है। दिलबाग सिंह लाडी हैं, दिलबाग सिंह लाडी गांव-गांव जा रहे हैं, दौरा हर डोर टू डोर चल रहा है और समीप है 24 वार्ड गर्म वार्ड है, बहुत दिग्गज है, एक से एक फाइटिंग चल रही है इस समय तक, और समय बहुत नज़दीक है, कल निशान मिल जाएंगे। क्या क्या है मन के अंदर? देखिए, असंध हल्के के अंदर 4 वार्ड हैं और एक वार्ड उधर 12 वार्ड है, उसमें भी गाँव हैं, तो जो वार्ड नंबर 24 है इसमें मुकाबला सबसे कड़ा है। आपने भी कवरेज की होगी कि ये जो हॉट सीट बनी हुई है, बहुत इसमें लगभग 8 कैंडिडेट हैं, तो कड़ा मुकाबला है। उस मुकाबले में जो अमनप्रीत कौर हैं वो सब पर भारी पड़ रही हैं, जैसे हमें बाहर से समर्थन मिल रहा है, छत्ती बिरादरी भाईचारे का समर्थन मिल रहा है और छत्ती बिरादरी भाईचारे ने ही इनको खड़ा किया है, कोई एक जाति विशेष का नहीं है कि एक जाति विशेष ने इनको समर्थन दिया या खड़ा कर रहे हैं, सभी भाईचारा हमारे साथ है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सभी भाई हमारे यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी धन्यवाद। तो एक तरफा माहौल है जी, जिस भी गांव में जाते हैं ऐसे समर्थन मिल रहा है जैसे कोई MLA का इलेक्शन हो, ऐसे हमें लगता है। कल जबाड़ा गांव में गए थे, दपेड्डी में गए थे, फफड़ाना में गए थे, तो आपने देखी होगी कि ऐसी जनसभा हो रही हैं जैसे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। तो इससे यही साबित हो रहा है कि अमनप्रीत कौर जी का एक तरफा इलेक्शन है और एक तरफा जीत है। जो हमारे विरोधी हैं उनके हौसले पस्त हो चुके हैं, उन अध कई विरोधियों ने तो अपना चुनाव प्रचार भी काफ़ी ढीला छोड़ दिया है, कम कर दिया है, जब से हमें मैदान में आए, और हमें मैदान में आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है,
इतनी तेज़ी से ये प्रचार प्रसार चल रहा है और ये सारा जो चल रहा है ये छत्ती बिरादरी भाईचारे के समर्थन से चल रहा है। कोई हम अकेले कुछ नहीं कर रहे, तो हम सभी भाईचारे का, किसान मजदूर छत्ती बिरादरी का, वार्डवासियों का धन्यवाद करते हैं। वोट आपका हक है, वोट आपकी पहचान है, वोट ऐसे व्यक्तित्व को दीजिएगा जो आपका विकास करवाए। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक ऐसा चेहरा जो नया हो, दूसरा आपको चाहिए युवा, और दूसरा आपको चाहिए कर्मठ जो कि सिर्फ प्रयत्न करता रहे आपके लिए। वो सारे गुण जो है मनदीप सिंह बाजवा के अंदर हैं। और हमारे साथ और भी साथी हैं, पूरा परिचय देंगे जी आप अपना। मैं बाबू सरपंच गांव बोर सैदा पेहवा से हूँ जी। मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं और इनकी देखिए खासियत, पेहवा से आए हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी दूर दूर से रिश्तेदारियां इनके फेवर में उठकर आ रही हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों की चाह बन चुका है, जो लोग चाहते हैं कि हम इसको जितवा करके मैदान में लेकर के आएंगे। सिर्फ 4 से 5 दिन में, जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन से लेकर के आज दिन से 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन के अंदर इतना प्यार प्रेम दूर दूर से लोगों का आना, ये एक बहुत जो है जीत का सिग्नल है जी। हाँ जी, देखिए मेरी यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, तो खुद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि देखिए आपके मित्र चुनाव लड़ रहे हैं और आप आए नहीं, कितने बढ़िया आपके मित्र हैं, इतना अच्छा माहौल है। तो मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरे दोस्त की इतनी खूबियाँ हैं कि उनके मेरे रिश्तेदार खुद मुझे बुलाया उन्होंने कि आप आइए, तो बहुत बढ़िया अच्छे हैं और अच्छी इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे मार्जिन से लीड करेंगे। और भी साथी आए हैं और बातचीत करेंगे, थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, ब्लॉक समिति का मेंबर है जी। हाँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर, आप तो जानते हैं मेरे को आसन जी। जी ठीक है, तो सर आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम बड़े अच्छे मतलब चेहरा है और इनको हम फुल सपोर्ट करके अपने तरफ से विजय बना के भेजेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है ताऊ जी? आप भी बताओ। सतपाल। अच्छा, सतपाल कौन सा गाँव है? ठरी। अच्छा, यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी। ठीक है जी, तो हम मंदिर ठीक बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा है, बुजुर्ग है और यहाँ पहुँचे हुए हैं मनदीप सिंह बाजवा और भी भाई हैं जी। भाई साहब आए हैं, इनका तय दिल से सारी सिख बिरादरी, सारे सभी भाई, छत्तीस बिरादरी है, कोई भी हरिजन है, वाल्मीकि है, कोई भी है, सभी बैठे हैं देख लो। यहाँ भाई साहब देखो, आप जाते हो, पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, गांव में राजनीति होती है, अलग अलग बैठे होते हैं, पर लेकिन यहाँ इनके भाई के लिए सारा गांव एक है। हम सरपंची का इलेक्शन कुछ और चीज़ है, उसके लिए सभी जो भी हैं तय दिल से हम भाई की इज्जत रखेंगे और भाई को यहाँ से जीत दिला के, अच्छे माध्यम से जीत दिला के भेजेंगे। अभी सारे साथ हो तो भाई, हर एक चेहरा, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग चाहता है मनदीप सिंह बाजवा जो है वार्ड 24 से विजय हो और लोगों का विकास कार्य करें। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।